एक्चुअली आई एम ए व्हीलचेयर क्रिकेटर, नेशनल लेवल खेल के आया हूँ। आई एम ए सिटिंग वॉलीबॉल, नेशनल लेवल खेल के आए हैं तमिलनाडु, उड़ीसा के साथ खेल के आए हैं, हिमाचल वर्सेस उड़ीसा। थर्ड नेशनल लेवल क्रिकेट था ये हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है गिनेस वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है। आखिर इस वे रुझान कितना आया कि मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकता, फिजिकली भी ठीक नहीं है, हैंडीकैप हो गया भी स्पोर्ट्स खेल सकता, वो किस तरह मन चाहिए? मैं वहाँ पे व्हीलचेयर लेने के लिए गया था नारायण सेवा संस्थान में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे थे, और व्हीलचेयर क्रिकेट का मैं इतना फैन हो गया। वैसे मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था। आपने कुछ अचीवमेंट्स भी की हुई हैं शायद? या सर, एक्चुअली आई एम ए व्हीलचेयर क्रिकेटर, नेशनल लेवल खेल के आया हूँ। अच्छा। आई मैं सिटिंग वॉलीबॉल नेशनल लेवल खेल के आया हूँ तमिलनाडु, सिटिंग वॉलीबॉल तमिलनाडु खेल के आया हूँ, और व्हीलचेयर क्रिकेट जो है राजस्थान उदयपुर सिटी खेल के आया हूँ। अच्छा। जी, और जेवलिंग थ्रो मेरा हाईएस्ट स्कोर है 12 मीटर। अच्छा। शॉर्ट पुट का मेरा हाईएस्ट स्कोर है 4.3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि किस तरह मेरा कि फिजिकली ठीक नहीं ने, फिर भी स्पोर्ट्स के भागीदारी इन्होंने अपनी दिती है, स्पोर्ट्स के खेलते रहे हैं, तो बड़िया बड़िया वक्रिया वक्रिया गेम। आखिर इस वे रुझान कितना आया कि मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकता, फिजिकली ठीक नहीं है, हैंडीकैप हो गया स्पोर्ट्स खेल सकता, वो किस तरह मन चाहिए? यस, ये बात अच्छी पूछी आपने, इसका जवाब दूंगा। जी, ये एक्चुअली मैं राजस्थान में गया था, मैं अपने टांगों के ऑपरेशन करवाए हैं, वैसे मैं खड़ा होकर भी चल लेता हूँ। अच्छा। वो कैलिपर लगाने पड़ते हैं यहाँ तक। जी, 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 जी। वो कैलिपर मेरे घर पे ही है। अच्छा। तो वॉकर मेरा टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था तो वॉकर मेरा टूट गया था, तो कैलिपर लेके क्या करना, फिर ऐसे ही चल रहा हूँ। अच्छा। जी, तो मैं वहाँ पे गया था राजस्थान में, तो वहाँ पे मेरा तो चलो प्राइवेट ऑपरेशन हुए हैं, बट मैं वहाँ पे व्हीलचेयर लेने के लिए गया था नारायण सेवा संस्थान में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ उस दिन तो मैं वहाँ से आ गया, बट एक डॉक्टर थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे रात की ड्यूटी करते थे, दिन में वो नारायण सेवा संस्थान में थे, तो उन्होंने जो है मतलब उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं एक दिन मैं पूरे नारायण सेवा संस्थान में पूरे उसमें घूमना चाहता हूँ मैं क्या। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको घुमा दूँगा। तो एक दिन चले गए हम, तो मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे थे, और व्हीलचेयर क्रिकेट का मैं इतना फ़ैन हो गया, वैसे मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। अच्छा। तो जब मैं खुद खेला हूँ, खुद आप DCCA पे आप हमारा देख सकते हो मैच। अच्छा। हम उड़ीसा के साथ खेल के आए हैं, हिमाचल वर्सेस उड़ीसा, हिमाचल वर्सेस यूपी। अच्छा। हिमाचल वर्सेस राजस्थान। अच्छा। हाँ जी, थर्ड नेशनल लेवल क्रिकेट था ये हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है गिनेस वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है हमारा। अच्छा। गिनेस वर्ल्ड बुक में हमारा नाम भी रिकॉर्ड हुआ है कि ये जितने भी पंजाब की भी टीम गई थी वहाँ पे। अच्छा। नारायण सेवा संस्थान में पंजाब की भी टीम गई थी खेलने के लिए। अच्छा अच्छा। ये मेरे ख्याल दूसरे राउंड में हार के आ गए थे पंजाब टीम। अच्छा। और हम तो फर्स्ट राउंड में हार गए थे। अच्छा। जी सर। नहीं मतलब कि गेम में आने में मतलब आपका फिर किया कि मैं भी खेलूँ फिर? जी, तो उसके बाद मैंने कोच अपॉइंट किया, तो कोच भी बोलते थे कि हमें चलो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करवाएंगे। तो हमारा हमीरपुर अनु ग्राउंड में हमारे कोऑर्डिनेटर है मिस्टर राजन वर्मा, तो उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करवाई हमारी। उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद जो है हमें फिर नेशनल लेवल खेलने के लिए भी गए हम। इस तरह हमने वहाँ पे पहले अपना पूरा बायोडाटा भेजा, सब कुछ भेजा, उसके बाद हम नेशनल लेवल खेलने के लिए भी गए। ऐसे ही हमने फिर बिलासपुर की तरफ से हमने सिटिंग वॉलीबॉल का बनाया, तो वहाँ के हमारे DC सर है बिलासपुर के, हिमाचल प्रदेश के, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। वहाँ पे हमें 7 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर दिया था लुहाणू मैदान में, तो वहाँ पे हमने 7 दिन ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद हम तमिलनाडु खेलने के लिए गए थे सिटिंग वॉलीबॉल।